Subscribe and click the bell icon for all the television updates. तो सबसे पहले तो राशि बहुत बहुत स्वागत है टेली मसाला पर आपका. थैंक यू. अच्छा पोल खोल सेगमेंट है, क्या लगता है कितनी पोल खोलने वाली है? जितनी पोल मैं खोल सकूं उतनी. ओके तो स्टार्ट करते हैं. सबसे ज्यादा सेट पर हंगरी कौन होता है? निखिल. निखिल इज़ द हंग्रीएस्ट. और हमारा एक एडी है आयुष, उससे तो हम लिटरली अपना टिफिन बचाते हैं, खाना छुपा के रखते हैं क्योंकि वो आता है उठा के चला जाता है. ओके कोई रेस्ट लवर भी है जो एक शॉट देके आने के बाद अपने रूम में जाना ज़्यादा पसंद करता है? हिब्बा नवाब, शी इज़ जस्ट लाइक मी. उसने मुझे आदत पड़ी है, उसने भी मेरा नाम लिया था बिकॉज हम लोग दोनों लिटरली सोते रहते हैं. सीन होता है हम सो जाते हैं, फिर सीन करते हैं फिर सो जाते हैं. सो हिब्बा. चिल्ड कोई लगता है आपको जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, काफी काम रहता और चिल्ड रहता है? खुराना, निखिल खुराना, दैट्स हिम. कूल. कोई स्ट्रिक्ट भी लगता है आपको? स्ट्रिक्ट है अनूप जी बिकॉज ऑब्वियसली वो सीनियर एक्टर है. ही इज आल्सो अ लॉट ऑफ फन बट ही इज स्ट्रिक्ट. एंड माय फादर नवीन बाबा जो पिंकी जी का रोल प्ले करते हैं वो भी काफी स्ट्रिक्ट हैं. अच्छा ओवर एक्साइटेड कोई लगता है क्योंकि आप लोग एक साथ सीन्स करते हैं तो सीन्स को लेकर सबसे ज्यादा? आई थिंक मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ बट क्योंकि आई एम ऑलवेज टॉकिंग अ लॉट. बट आई थिंक एवरीवन वी आर ऑल एक्साइटेड, हमें मजा आता है करके. सो ऑल ऑफ अस. अच्छा कोई डिस्टर्बर भी है? इट्स लाइक आप लोग साथ में सीन करते हैं तो कोई कॉन्सेंट्रेट ना करने देता इन अ फन वे और डिस्टर्ब करता? ऐसा तो कोई भी नहीं है यार, वी आर ऑल वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू वर्क. सब बड़े फोकस्ड होते हैं सो नो वन आई थिंक गॉट इट टू. ओके कोई प्रैंकस्टर भी है सेट पर? माय फादर नवीन बाबा, माय फादर सबसे बड़े प्रैंकस्टर है. वो तो सबको तंग करते रहते हैं. FIR जब चल रहा था शशांक सर का ही सीरियल, उन्होंने तो हर किसी पे हर रोज प्रैंक किया है एंड इवन हियर. ओके लेट लतीफ भी है कोई जिसके जैसे सीन्स डिले होते हो या थोड़ा वेट करना पड़ता है? शुरू में मैं बहुत लेट आती थी, बहुत ज़्यादा. फिर मुझे आई गॉट अ पनिशमेंट जब मुझे रोज सुबह बुला के शाम को छोड़ना शुरू किया, तो तब से आई एम ऑन टाइम. आई थिंक पता नहीं, आई डोंट नो कोई लेट आता है कि नहीं. आई थिंक एवरीवन कम्स ऑन टाइम नाउ. मैं थी जो लेट आता था, अभी मैं सुधर गई हूँ. मुझे समझ नहीं लगते उनके जोक्स बट ही इज नाइस, फन है. अच्छा गॉसिप मेकर कौन है जिसे गॉसिप्स पता चलती हूं आप लोगों को? आई थिंक अनूप जी. अनूप जी के पास काफी गॉसिप्स होती हैं एंड मैं और हिबा भी, हम भी गॉसिप करते रहते हैं इधर उधर बैठ के. ओके सबसे बड़ा कोई एंटरटेनर लगता हो सेट पर? निखिल इज़ वेरी एंटरटेनिंग. बहुत वो क्रैक करता रहेगा फनी जोक्स लिटरली, जिसमें सीन के बीच में हंसी आती है. तो निखिल. कोई बोरिंग भी है? बोरिंग नहीं, मतलब योगेश जी के साथ मेरी ज़्यादा बात नहीं होती तो वो अपने में ही होते हैं जहाँ तक पता, तो बोरिंग नहीं बट टू हिमसेल्फ. तो योगेश जी. अच्छा टी टाइम पार्टनर को? हिबा नवाब. टी टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम, ऑल ऑफ दैट. ओके लास्टली कितना एंजॉय किया है सेगमेंट? बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी पोल खोली. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. अच्छा अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी? आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट इज एवरी थिंग फॉर मी. और ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और हमारा सीरियल देखते रहिए एवरी डे 9:30 सब TV पे.